सो वेलकम टू माई चैनल एम पी वी व्लॉग्स। तो आज की वीडियो कुछ चीप फ़ोन्स चीप आईफोन्स के ऊपर है, जो लोग आजकल फ्रॉड और स्कैम कर रहे हैं। तो मैं आज उनके ऊपर मैंने सोचा कि यार आज इनका थोड़ा खुलासा किया जाए, इनको थोड़ा एक्सपोज किया जाए। तो भाई देखो, मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, पर यार जो गलत है वो गलत है, तो मैं गलत का साथ तो दूंगा नहीं, तुम्हारी बैंड तो मैं बजाऊंगा, ठीक है। तो भाई स्टार्ट ऐसे करते हैं कि यार ये लोग कौन होते हैं। बेसिकली ये लोग चोर होते हैं, जो चोरी के फ़ोन्स, क्लोन्स, फ़ोन को एक्सचेंज करना, फ़ोन के पार्ट्स एक्सचेंज करना, उनको सही करके रिपेयर करके बेचना, ये करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? दूसरा क्वेश्चन, ऐसे लोग मिलेंगे आपको लाल किले में, चोर बाज़ार में, और ये जो आजकल यूट्यूब पे वीडियोस आ रही हैं, मतलब इतने घटिया शक्ल वाले लोग, तुम लोग ऐसे ऐसे आईफोन्स लेके घूम रहे हो, मतलब क्या दिखाना चाहते हो यार इतना फ्रॉड और स्कैम करके, हैं? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता है ये सब, दो मिनट में अंदर करवाऊँगा सबको। तीसरा क्वेश्चन, ऐसे लोग क्यों करते हैं ये सब? ऐसे लोग ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि इनको फ्री के पैसे चाहिए होते हैं, फ्री के पैसे ऐंठने के लिए करते हैं इन लोगों से। जिसको आईफोन्स की नॉलेज नहीं होती, जो सोचते हैं कि यार आईफोन चाहिए मुझे, आईफोन चाहिए, उन लोगों को आईफोन सस्ते में मिल जाते हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि यार वाओ आईफोन सस्ते में मिल रहे हैं यार, 40-50 हज़ार का फ़ोन या 70 हज़ार का फ़ोन 10-10 हज़ार में, 20-20 हज़ार में। आईफोन 7 प्लस ये लोग देते हैं 15,000 में, मतलब माथे पे सी लिखा है क्या हैं ये लोग, ऐसे देते हैं फ़ोन। तो मैं आपको बताता हूँ ये लोग करते क्या हैं। बेसिकली छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में ये जो फ़ोन है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये iPhone 6, ठीक है। मैं ये फ़ोन की वीडियो मैंने लास्ट टाइम डाली हुई है, आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इस फ़ोन को एग्जांपल में रखते हुए मैं बताता हूँ ये लोग चेंज करते क्या है उसमें। मान लीजिए ये कोई फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर को फ़ोन बेचता है, मतलब इन लोगों के पास जो लोग ये लोग फ़ोन दिखाते हैं यूट्यूब पे कि ये करना है वो करना, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, आप कहीं पे भी गूगल पे सर्च करोगे, ये जो पीछे की बॉडी होती है ये आपको मिल जाती है ईजिली, कहीं पे भी 1000 रुपीज़, 600 रुपीज़ समथिंग में आपको मिल जाएगी। ये लोग क्या करते हैं, इस फ़ोन को खोलते हैं, इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब कुछ निकालते हैं, इस बॉडी पे लगाते हैं और आपको बेच देते हैं। इसकी जो वायरिंग होती है ओरिजिनल फ़ोन की ओरिजिनल ही होगी, लोकल की सिर्फ एक साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। तो ये जितनी भी लाइंस आपको दिख रही है, आपको लग रहा होगा ये डिज़ाइन है, लेकिन ये डिज़ाइन नहीं है, ये अंदर से वायरिंग्स होती हैं नेटवर्क के लिए। आपका नेटवर्क इशू हो जाएगा अगर आप लोकल बॉडी लगवाते हो तो, ठीक है। और लोकल बॉडी बाहर से ही लगती है, ओरिजिनल अगर आपको सर्विस सेंटर से लगवाने तो आप लगवा सकते हो, वैसे वो भी नहीं करते हैं ये सब। तो ये सब लोग यही करते हैं, इसकी स्क्रीन चेंज करेंगे, स्क्रीन लोकल होती है, बैटरी चेंज करेंगे, 82-85% आपकी बैटरी होगी, जो आपको पता भी नहीं चलेगी कि कब ख़त्म हो जाएगी, कब चार्ज होगा फ़ोन। और ऐसे ही फ़ोन जो होते हैं वो फट जाते हैं कभी भी, जेब में रखे रखे आपका फ़ोन इतना हीट हो जाएगा कि आप झेल ही नहीं पाओगे उसे। और इसमें नेटवर्क इशू आएगा, इसकी बैटरी इशू आएगी, इसकी स्क्रीन इशू आएगी, इसका जो टच सेंसर होगा वो ख़राब होगा। आपको 14-15 हज़ार रुपये लेके आपसे पैसे ऐट के आपको बेकार फ़ोन दे देंगे और आप पागल बन जाओगे इजीली। तो बस यही लोग करते हैं, ये ना इनका कोई ठिकाना होता है ढंग का और ना कुछ। तो मैं तो यही बोलूँगा कि 2-3 महीने रुक जाओ, सैलरी कलेक्ट कर लो और उसके बाद अच्छे फ़ोन्स ले लो, ऐसे फ़ोन्स लेने से अच्छा। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ऐसे लोग समझें कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ, क्योंकि यार फ्री के पैसे थोड़े ना आते हैं कहीं से भी, कोई ना कोई अपनी जेब से मेहनत करके ही तो पैसे कमाता होगा ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना। थैंक यू।